नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सो दिस वीडियो इज फॉर माय ग्रेड नाइन स्टूडेंट्स जिसमें हम एक बहुत क्विक समरी देखने वाले हैं दी स्नेक एंड मिरर की एंड उसी के साथ साथ फोर टू फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आप मिड टर्म में डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो तो वीडियो एंड तक देखना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो बिकॉज डेली लाइव क्लासेस चल रही है स्टोरी में हमें क्या देखने को मिलता है इसके ना बेसिकली दो एस्पेक्ट है मतलब दो साइड्स हैं एक साइड है फियर का एंड दूसरा साइड है नार्सिज्म का या मटीरियलिज्म का जो स्नेक है अब यहाँ पे आयरनी देखो जो स्नेक है जो कि एक एनिमल है उसमें तक इतनी यहाँ पे ना इंटेलिजेंट शो करी गई है कि वो अपनी ब्यूटी देख के क्या हो रहा है मेस्बराइज हो रहा है वो अपनी ब्यूटी में लॉस्ट हो जा रहा है एंड वो भी उसने किसी मिरर में अपनी ब्यूटी नहीं देखी उसने सिर्फ एक रिफ्लेक्शन में अपनी ब्यूटी देखी ठीक है एंड इसी के पैरेलल जब एक डॉक्टर का एनकाउंटर हुआ स्नेक से मतलब जब एक डॉक्टर के आमने सामने एक स्नेक आया तो वो डॉक्टर बहुत टेरिफाई हो गई टेरिफाई वर्ड आपने बहुत बार स्टोरी में देखा टेरिफाई हो गए मतलब वो बहुत ही ज्यादा घबरा गए डर गए कि मैं एस्केप कैसे करूंगा बट जो स्नेक का था वो पूरा पूरा खुद पे था मतलब ही वो कंप्लीटली सेल्फ सेंटर्ड वो खुद में इतना खो गया था अपने रिफ्लेक्शन में इतना खो गया था अपनी ब्यूटी को इतना वो निहार रहा था कि वो डॉक्टर पे अटैक करना भी भूल गया अब मे बी उसका नेचर हो अटैक करना नहीं अटैक करना बट उसने डॉक्टर पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया एंड डॉक्टर राहत की सांस ली कि कोई बात नहीं चलो स्नेक का ध्यान हट गया मैं एस्केप हो गया मेरी लाइफ पे कोई भी फ़ियर कोई भी मेरी लाइफ पे टेंशन नहीं आई एंड स्नेक का जो मटीरियलिज्म शो किया वो डॉक्टर के फियर से कंपेरिजन हमें देखने को मिला कि स्नेक का मटीरियलिज्म इतना पीक पे था एंड डॉक्टर का फियर इतना पीक पे था कि दोनों एक दूसरे को नलिफाई करके ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गए तो यहाँ पे हमने थीम डिस्कस कर ली पोम की हमने दोनों आइडियाज डिस्कस कर लिए एंड चीजें देख ली कि कैसे चीजों नलिफाई हो, हो जाती है

इस क्वेश्चन में बताना है कि प्लॉट क्या है कभी भी अगर प्लॉट का क्वेश्चन आए तो आपको बताना है कि स्टोरी की लोकेशन क्या है कौन सी लोकेशन में स्टोरी पूरी शूट हो रही है सिमिलरली रूम का पूरा हमने देखा कि एनवायरनमेंट था अमीर अब रूम को डिस्क्राइब करता है ठीक है अब हमारा जो फर्स्ट इधर एल्फोबेट है कैपिटल रहेगा सेंटेंस बिगिन हो रहा है सो द रूम दैट द डॉक्टर वॉज लिविंग इन वॉज स्मॉल पुअर अनकम्फर्टेबल एंड अनहाइजीनिक मतलब जिस रूम में डॉक्टर रह रहा था वो छोटा था डॉक्टर की फाइनेंशियल सिचुएशन कहीं-कहीं बोली गई कि he was poor and उसी के साथ साथ रूम था मतलब रूम बहुत ही ही ज़्यादा ज़्यादा था बहुत उलझा हुआ अनहाइजीनिक तो भी बताया गया Since, अब देखो यहाँ पे फर्क क्या आया कि पहले रूम को डिस्क्राइब कर दिया फिर स्टोरी के आगे वाले पार्ट पे गए मतलब हमने बिगिन करा कि इसीलिए ये चीज हमें देखने को मिली ठीक है सिंस हिज मेडिकल प्रैक्टिस वॉज येट नॉट वेल स्टैब्लिश मतलब जो उनका डॉक्टरी की पूरी प्रैक्टिस होती है कि उनके पास पेशेंट अच्छे से आए वो स्टैब्लिश नहीं थी एंड ये अभी एक लर्निंग डॉक्टर थे मतलब तो ये प्रैक्टिस अभी कर रहे थे इनका हाथ इतना चला हुआ नहीं था इनके पास इतने पेशेंट्स नहीं थे ही डिड नॉट अर्न मच तो वो ज्यादा उसी वजह से कमाते भी नहीं थे एंड कोड नॉट अफोर्ड अ बेटर प्लेस तो अब कोई डॉक्टर अच्छा अर्न करेगा तो वो अच्छा एनवायरनमेंट बनाएगा वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा बट यहीं पे ये डॉक्टर के पास इतनी अर्निंग नहीं थी तो उनकी जो क्लिनिक थी वो इतनी ज़्यादा हाई फाई नहीं थी एक नॉर्मल रूम क्या होता है फोर साइड्स होती हैं बट इनके रूम में सिर्फ थ्री साइड्स थी एंड एक वाली तो सीधा बैक में खुल जाती थी इसी के साथ साथ इनके पास इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का भी कनेक्शन नहीं था मतलब ये बहुत ही एक बेसिक लेवल के डॉक्टर थे एंड इवन जो ये स्टडी करते थे उसके लिए भी ये एक कैरोसिन लैम्प को यूज़ करते थे

केबन टाइप का सिर्फ बनाया हुआ था इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था एंड उसमें पूरे रैट्स की बहुत ही ज़्यादा एक तो स्मेल भी थी एंड रैट की स्क्वीकिंग भी हमें पूरे टाइम सुनाई देती थी क्लियर अब हमने ना इतने में पूरे रूम को डिस्क्राइब कर दिया पूरे स्टोरी की समरी डिस्क्राइब कर दी कि कैसे चीज़ हुई कहाँ चीज़ हुई प्लॉट क्या है एग्जैक्टली exactly? अब हमें बताना है कि डॉक्टर ने मतलब एक ना कंक्लूजन देना है कि रूम तो था ठीक है बट उधर तो हुआ क्या कैसे चीज कंक्लूड करनी है हमें आंसर में तो कंक्लूजन के लिए मैंने यूज करी नेक्स्ट लाइन जो आपको भी रिकमेंडेड है बोर्ड्स में या अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी एक प्रायर क्लास में तो यहाँ पे एक पैराग्राफ दे देना है यहाँ से एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ हमें करना है द डॉक्टर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूम शोज दैट ही वॉज नॉट हैपी विद दिस पुअर अकोमोडेशन अकोमोडेशन का मतलब कहाँ पे आप रह रहे हो कैसे एनवायरमेंट में आप रह रहे हो तो डॉक्टर का जो हमें डिस्क्रिप्शन देखने को मिला रूम से हमें ये देखने को मिला कि वो भी कहीं ना कहीं अपने सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं है उनको भी लाइफ में कुछ बेटर चाहिए एंड ये बेस्ट कंक्लूजन होगा इस चीज़ के लिए कि हमने चीज डिस्क्राइब कर दी अब हमें डॉक्टर का बताना है उनकी कैसी सिचुएशन है उनको कैसा फील होता है ठीक है तो हमें यहाँ पे बेसिकली देना है क्रिटिकल एनालिसिस कि हमने क्या समझा हमारा क्या उससे इंटरप्रिटेशन आया डॉक्टर का मन कैसा है उनका मूड कैसा तो हमें ये सारी चीजें यहाँ पे बतानी है बट ही डिसाइडेड टू लीव इट एंड ओनली आफ्टर हिज एनकाउंटर विद द स्नेक तो अब इतना खुला खुला था सीधा यार्ड में खुलता था तो इनका जब एनकाउंटर हुआ स्नेक से तब इनको समझ आ गया कि हाँ ये ठीक है मेरी कंडीशन खराब है बट अगर मैं इसमें ज़्यादा टाइम रहा तो वो मेरे लिए भी क्या होगा खराब रहेगा क्योंकि यहाँ पे मेरी सेफ्टी पर बात आ रही है ठीक है तो सेफ्टी वाला पॉइंट भी आप इंक्लूड कर सकते हो इट वॉज सच हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस दैट ही टू फ्रेंड्स तो हाउस एक बार स्ने तो, तो ये देख के वो डर गए नहीं रहूंगा वट काइंडर वॉन्ट टू मैरी यहाँ पे हमें कैरेक्टर स्केच देना है जैसे डॉक्टर ने डिस्क्राइब किया था कि किस टाइप ऑफ लेडीज से उनको शादी करनी है एंड वज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर तो वुमेन का हमें एक्सप्लेनेशन देना है इसी के साथ कंबाइन करके डॉक्टर का भी बताना है कि उनका क्या मन था एंड वट काइंडिड ही इवेंचुअली गेट टू तीन चीजें है एक की उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है दूसरा की उनकी एक्सपेक्टेशन से उनके कैरेक्टर के बारे में हमें क्या पता चल रहा है एंड तीसरा की रियालिटी क्या हो जा रही है ठीक है आंसर देखे अब तीन पार्ट है तो फर्स्ट पैराग्राफ में दो पार्ट इंक्लूड कर देना या एक पार्ट इंक्लूड करना जैसे भी चले बट पैराग्राफ वाइज ही आंसर को लेके चलना ठीक है ये सिर्फ सैम्पल आंसर्स हैं आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो एंड अगर आपको वेरिफिकेशन भी चाहिए देन पे आपको वेरिफिकेशन भी आंसर्स का ए आई के थ्रू बहुत क्विकली मिल सकता है ठीक है सो द डॉक्टर टुक प्राइड इन हिज हैंडसम लुक्स एंड हिज मेडिकल प्रोफेशन प्राइड मतलब डॉक्टर क्या थे थोड़ा बहुत ना कॉन्फिडेंट थे उनको अच्छा लगता था कि हाँ मैं स्मार्ट भी दिखता हूँ प्रोफेशन भी बहुत नोबल प्रोफेशन है मैं डॉक्टर हूँ तो वो कॉन्फिडेंट थे कहीं ना कहीं अपने बारे में उनका सेल्फ एस्टीम अच्छा था सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा था देर फोर ही वॉन्टेड टू मैरी अ रिच लेडी डॉक्टर विद गुड मेडिकल प्रैक्टिस तो डॉक्टर से इनको चाहिए थी डॉक्टर इनको भी चाहिए थी एक ऐसी डॉक्टर जिसकी मेडिकल प्रैक्टिस अच्छी हो एंड साथ ही साथ एक वर्ड मेंशन किया गया है विच इज़ रिच क्योंकि इनकी खुद की कंडीशन क्या थी इतनी वेल well स्टैब्लिश नहीं थी इनको एक फैट वाइफ चाहिए थी ताकि अगर ये कोई मिस्टेक करें तो इनकी वाइफ इनको पकड़ नहीं पाए एंड ये ईजिली एस्केप आउट कर जाए तो इससे हमें क्या पता चला कि डॉक्टर खुद भी थोड़े चिल एंड हैप्पी गो लकी टाइप के पर्सन थे थोड़े बहुत ना काम पर्सन थे जिनको एज सच इतना सीरियस एंड एज सच इतना बहुत ही हार्ड कोर चीजें नहीं थी मतलब वो इजी टू गो पर्सन थे ठीक है तो अब यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कि लेडी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ फर्स्ट पैराग्राफ में लिख दी सेकेंड में डॉक्टर की लिखेंगे कि उनकी क्या कैरेक्टर हमें शो हुई एंड लास्टली हमें रियलिटी शो करनी है कि क्या हुआ स्टोरी में ठीक है सो द डॉक्टर्स एम्बिशन एम्बिशन मतलब कुछ चीज जो आप डिजायर कर रहे हो आपको कोई चीज अगर चाहिए होती है तो उनको उनका जो एम्बिशन था अबाउट हिज मैरिज मतलब उनकी जो विश थी अबाउट हिज मैरिज शोज दैट ही वॉज स्टेटस कॉन्शियस मतलब इनको रिच वाइफ चाहिए थी विच मीन्स कि इनको कहीं ना कहीं सोसाइटी में अपना स्टेटस चाहिए था एक नेम चाहिए था एंड वेन ही वॉज हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग जब ये खुद स्ट्रगल कर रहे थे तो भी इनको एक ऐसी वाइफ चाहिए थी जिसकी मेडिकल प्रैक्टिस क्या थी इनसे ज्यादा थी वो बहुत Well established थी। तो कहीं ना कहीं ये हमें हुए, है। एक उनके दिमाग में मनी भी था उनने ये नहीं सोचा कि हाँ मैं मेहनत कर लूंगा वाई शुड शी वर्क हार्ड मतलब उनको एक स्टैब्लिश पर्सन चाहिए था जिसकी लाइफ में वो बस एंटर कर जाते ठीक है ही डिड नॉट थिंक मच अबाउट द अपियरेंस एंड अदर क्वालिटीज ऑफ हिज वाइफ तो इनने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि वाइफ की अपियरेंस क्या है क्वालिटीज क्या है इनको सिर्फ अपने हिसाब से चीज चाहिए थे कि मनी हो एंड मेरा स्टेटस ताकि अच्छा जाए ठीक है अब एंड अदर क्वालिटीज ऑफ हिज वाइफ एंड थॉट ओनली ऑफ हर रिचनेस हिज डिजायर टू मैरी अ फैट वाइफ शोज दैट ही हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड गुड लाफ एट हिमसेल्फ तो ये भी एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अगर सामने वाला अपने फ्लॉ एक्सेप्ट कर रहा है एंड उस पर भी हंस रहा है तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली कि ये मतलब जो डॉक्टर है वो अपने ऊपर भी हंसने की क्वालिटी होल्ड करते हैं जो बहुत कम लोग होल्ड करते हैं तो ये एक अच्छी क्वालिटी है एंड लास्टली हाउएवर हाउएवर मतलब इतना सब सोचा हालांकि जो उनके साथ असली में हुआ वो बिल्कुल ही डिफरेंट था बिल्कुल ही क्या था अनलाइक था जैसा उनको चाहिए था उससे बिल्कुल ही अनलाइक था तो जो इनका डिजायर था वो कंप्लीटली क्या हो गया था ब्रेक हो गया था थ्री क्वेश्चन थे थ्री पार्ट्स में मैंने उसको आंसर किया अब यहाँ पे एक और टिप कि अगर आपको ये पार्ट उनका रियलिटी का पार्ट अगर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना है तो आप वो चीज भी कर सकते हो सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच क्वालिटीज एंड वैल्यूज ऑफ द डॉक्टर सेव्ड हिज लाइफ तो यहाँ पे हमें डॉक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ने डॉक्टर को हेल्प किया जिसकी वजह से वो इतनी एक ड्रेडफुल सिचुएशन से भाग गए ठीक है वर्ड यूज किया मैंने ड्रेडफुल जिसका मीनिंग है क्लोज टू डेथ मतलब एक बहुत ही टेरिफाइंग सिचुएशन से वो एस्केप कर गए अब स्टोरी पढ़ी है हमने दो क्वालिटीज मैं बता देती हूँ रफली फिर हम एक बार आंसर भी रीड कर लेंगे एक क्वालिटी है इनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कि इनने बहुत काम ली बहुत बारीकी से सिचुएशन समझी ओवर रिएक्ट नहीं करा एकदम तभी मैंने पिछले आंसर में भी उनका एक्सप्लेनेशन काम से दिया था एकदम इनने ओवर रिएक्ट नहीं करा एंड दूसरा ये बहुत ही पेशेंस से बहुत ही शांति से सिचुएशन पे रिएक्ट करे मतलब क्या होता है ना एनिमल के पास हमेशा एक सिक्स्थ सेंस होता है अगर मैं उनसे घबराऊंगी तो वो भी मेरे पे अटैक नहीं करेंगे सीधा वो भी क्या होंगे घबरा जाएंगे कि क्या हो रहा है ये इंसान मुझसे डर क्यों रहा है या क्या हो गया एकदम सिचुएशन में चेंज क्या आया सिमिलरली जब स्नेक आया डॉक्टर ने बहुत तरीके से पेशेंटली उसको इनकाउंटर किया बहुत साइड से वो अपना निकल गए जिसकी वजह से स्नेक भी डिस्टर्ब नहीं हुआ स्नेक का फोकस भी नहीं आया डॉक्टर पे एंड डॉक्टर भी

snakes strike only in self defense and the doctor patiently let the snake go he remained calm and didn't jump or trembled or cry out to so, yahan pe snake jab bhi attack karte hain wo self defense mein attack karte hain doctor kya hue wo bilkul still khade ho gaye as a stone unne kuch react nahi kiya जिसकी वजह से snake को भी feel हो गया comfort कि हाँ इनसे मेरे को कोई danger नहीं है इनने कुछ मेरे को देख के react नहीं किया एंड स्नेक अपनी ही रिफ्लेक्शन में खो गया ठीक है अब यहाँ पे फर्स्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया इस क्वेश्चन में अगर आप पैराग्राफ नहीं भी चेंज करो तो भी चलेगा बट कहीं ना कहीं बोर्ड में प्रेजेंटेशन मैटर करता है सो so मैंने वही हैबिट अभी तुम में डालने की प्रैक्टिस करी अब देखो तुम्हें कितना समझ आता है ठीक है अब सेकंड पैराग्राफ होता है कि ही डिड नॉट ट्राई टू आइदर कैच द स्नेक पास था, उनने कुछ भी नहीं किया वो स्टोन जैसे से खड़े हो गए फियर हार्ट ग्रिपिन स्कूल ने अपना कामनेस मेनटेन करी द स्नेक ले गॉड बिजी एडमायरिंग इट्स इमेज इन द मिर तो मेर में वो देख के स्नेक अपना मटीरियलिज्म में खो गया डेडली स्नेक एंड सेव्ड हिज लाइफ तो ये चीज मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी कि काम थे पेशेंट थे एंड उसी के साथ साथ इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड था जिसकी वजह से स्नेक को उनसे कोई भी डेंजर फील नहीं हुआ एंड स्नेक ने भी सेल्फ डिफेंस में कुछ भी नहीं करा अब लास्ट आंसर पे आते हैं हम लोग इज अ ह्यूमरस वे वॉट मेक्स इट ह्यूमरस तो पूरी स्टोरी हमें समराइज कर देनी है वेरी शॉर्ट में कि स्टोरी में एक हमें ह्यूमरस इंसिडेंट देखने को मिलता है या एक फ्राइटनिंग इंसिडेंट मतलब एक डरावना इंसिडेंट हमें देखने को मिलता है ठीक है ऑल ये स्टोरी सीरियस है बट ह्यूमर इसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या है मेनटेन्ड है दिस ह्यूमर इज जनरेटेड बाय द वे कॉन्ट्रास्ट एम्प्लॉयड बाय द राइटर अब दिस ह्यूमर इज जनरेटेड बाय द वे ऑफ कॉन्ट्रास्ट एम्प्लॉयड बाय द राइटर द डॉक्टर रिवील्स हिज प्राइड एंड एरोगेंस बाय टेलिंग हाउ हाईली ही रेटेड हिज लुक्स अपने आप को रखा इनका हाई था एंड एंड एरोगीबल एंड फूलिश वेन एनकाउंटर्ड बाई द स्नेक तो इनको थोड़ा बहुत ना अनकंफर्टेबल लग रहा था स्नेक से बट इनने स्नेक को कम्फर्टेबल जरूर किया क्योंकि इनने कुछ मूवमेंट नहीं किया

Or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on his head is also very witty and humorous. Thus, even a serious incident is made interesting by the doctor's witty treatment of a very dangerous situation. So, it is a dangerous situation, but calm and react not So, here we come to the end of this story. I hope you liked the video and for more such videos, stay tuned and happy learning.